तेरह के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 70% सहमति आने के बाद में उसकी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, धारा 11 सेक्शन 11 की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि जहां समाज का 75% से 80% वर्ग किसी विकास के लिए तैयार हो गया हो, बेशक अन्य पार्टियां वाले विकास के लिए और विकास को रोकने के लिए कार्य कर रहे हों, लेकिन जेवर क्षेत्र के किसान ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर भारत के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए जेवर एयरपोर्ट बनना अत्यंत आवश्यक है और उसी लाइन पे वो किसान काम कर रहे हैं। आप लगातार इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, मगर अगर सांसद जी की आप क्या की बात की जाए, महेंद्र शर्मा जी की वो कहीं पूरी पिक्चर में नहीं, किसानों को मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप ही चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ एक गुट है जो उनकी भी कुछ बातें सुनना चाहता है, वो आगे बढ़कर कुछ क्यों नहीं? इसमें गुटबाजी की कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी के संरक्षण में ही कार्य कर रहा हूँ, वो मेरे सांसद हैं और उन्हीं के निर्देश पर मैंने गाँव घूमकर ये सारी जो है प्रक्रिया बनाई और किसानों को आगे आकर उन्हें सहमति देने के लिए तैयार किया। तो ऐसी कहीं कोई गुटबाजी हमारे ज़िले में नहीं है। हम सभी का मकसद है कि जल्दी से जल्दी और आने वाले चुनाव से पहले ही ये सौगात हम जेवर क्षेत्र को और उसके आसपास के ज़िलों को दे दें, जिससे वहाँ विकास हो सके। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पिछले दिनों में जो सरकारें रही हैं, बहुत सारी कंपनियां वो जगह छोड़कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को गुड़गामा की तरफ पलायन कर गई। तो अब एक ऐसा माहौल इस सरकार के आने के बाद में उस क्षेत्र में बना है कि कंपनियां खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत शीघ्र जेवर एयरपोर्ट की जिस दिन धारा 11 हो जाएगी, उस दिन के बाद में तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का निवेश जनपद गौतम बुद्ध नगर में वहाँ के लोगों के विकास के लिए और उस क्षेत्र की जो है जीवन यापन को उन्नत बनाने के लिए होने जा रहा है।